तो चलो, तो पहले आप लोग हंस लो मेरी शक्ल देखकर, क्योंकि क्लीन शेव हो गया, सताक्षी भी नहीं पहचान पा रही थी मेरे को। बेटा पापा है, पापा। ये भैया घूम घूमी हो रही है हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। कुछ टाइम से थोड़ी कोरोना की स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि बस पूछो मत। तो हालांकि मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते तो इसलिए मैं शुरुआत में ही ये बात कर रहा हूँ। एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्यों नहीं डाली इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग न्यूज़ मिल रही थी हर जगह से मेरे को, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, कुछ अपलोड नहीं कर पाया। पर हाँ, ये जो समय है हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आप ये सोचिए कि मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं इजीली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी पर फिर भी मैं इजीली फंक्शन नहीं कर पा रहा था अपने आप को। तो सोचो कि उनके साथ कैसा बीत रहा होगा जो जिनके फैमिली मेम्बर्स एक्चुअली परेशान है, जिनको एक्चुअली में कोविड है, जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो आप ये सोच के देखिए। तो हमें एक दूसरे का साथ देना है, किसी से हंस बोल लीजिए यही काफ़ी है। कुछ गुड न्यूज़ मिली, मेरे एक फ्रेंड है जो लास्ट वीक से हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी बीच में, तो कई बार यहाँ से मेरे पे जो बन पा रहा था मैं कोशिश कर रहा था उनके हेल्प करने के लिए। अभी इम्प्रूवमेंट बताया है, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, होपफुली कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। कोशिश कीजिए जो आपके पेशेंट हैं उनको हिम्मत देने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बात कीजिए। यार समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ इस बारे में। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान दीजिए, सेहत का ध्यान दीजिए, बिन फालतू की घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि सबको पता है कि आज के टाइम में क्या स्थिति हो रखी है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। बस यही बात कहनी है कि अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, किसी को अगर मदद की ज़रूरत हो तो जो भी आप कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो वो कीजिएगा ज़रूर। घबराइए मत, देखो पैनिक सिचुएशन, मैं खुद पैनिक हो गया था, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बट मुझे को एक हफ्ता लगा इस काइंड ऑफ ट्रोमा से बाहर निकलने के लिए। ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे फॉरवर्ड्स आते हैं कि हल्दी जरा चाट लो, देखो नॉर्मल सी बात, मैं अगर आयुर्वेद के बारे में बात बताऊँ तो आयुर्वेद के अंदर हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आप कर सकते हो उसको, बट उसको इस तरीके से देखिए कि जो हमारी नानी अम्मा दादी बाबा जो हमारे पुराने बुजुर्ग हुआ करते थे वो बताया करते थे, उनको फॉलो कीजिए। जो आजकल नए आ रहे हैं उनको प्रॉपरली ज्ञान नहीं है कोई, क्योंकि होता क्या है कि आप ये कर रहे हैं, इवन आयुर्वेद का भी छोड़िए, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनके ऊपर भी जो है डॉक्टर्स के साथ क्लैशेस हो रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ा है कि ये वाली दवाई लेनी चाहिए कोविड में, डॉक्टर कह रहा है कि यार पेशेंट्स को हम डील कर रहे हैं लास्ट एक साल से, मतलब पूरे एक साल हो गया इसको, और तुम बता रहे हो आज आके कि ये वाली दवाई से ठीक हो रहा है। देखिए सबका इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, तो डॉक्टर को पता होता है, वो आपको मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाई देते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है तभी हॉस्पिटल्स में जाइए, तभी डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर घर पर आइसोलेट होकर इलाज कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए, आप घर पे ही आइसोलेट रहिए। हालांकि मैं नहीं समझता खुद को कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ ज्ञान दे सकूँ, पर लेकिन समहाउ थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने एक चीज़ कही है, सुनो सबकी करो अपने मन की। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, ठीक है जो भी बता रहा है, आपको पता है आपका शरीर है कि कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो दवाई ऐसी नहीं है, जो दवाई कोविड के पेशेंट्स को दी जा रही है वो दवाई कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है कि जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगी, डोलो सिट्राजिन ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम में भी हम इनको यूज़ करते हैं। सब कुछ जैसे डॉक्टर के पास आ जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं भी जाते, नॉर्मल फीवर होता है तो आप डोलो लेते हैं, कोई कहता है कि मेरे को डोलो सूट नहीं करती, मेरे को डोलो से कुछ आराम नहीं मिलता, तो वो उसकी जगह क्या है, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेता है, पैरासीटामोल ले लेता है, कोई दूसरा ले लेता है, पैरासिप ले लेता है, ठीक है। तो सबका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दवाई सूट कर रही है और कौन सी दवाई सूट नहीं कर रही है, ये या तो आपके डॉक्टर को पता होगा और या फिर आपको पता होगा। जो स्वस्थ हैं
अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे, देखो जंक फूड यूज सब लोग बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बाज़ार में यार आपको कैसे मिल जाएगा। अगर पुराने ज़माने की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में कहीं पर आपने देखा था दुकानों पर लिखा हुआ कि शुद्ध देसी घी। भाई देसी घी होता है, शुद्ध और अशुद्ध का उसमें कुछ मतलब नहीं होता, घर में बनता था सब कुछ। समस्या आज के टाइम में अगर देखी जाए ना कि सांस की प्रॉब्लम सब बहुत ज़्यादा होती है, क्या बोलते हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा है और ये जो कोरोना है ये फेफड़ों को हिट कर रहा है। जो गुड़ होता है ना जिसको जैगरी बोलते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, एक तरीके से डिटॉक्स करता है बॉडी को। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, कभी भी आप देखिएगा सीमेंट की एजेंसियाँ होती हैं जिनसे हम कट्टे वगैरह लेकर आते हैं, तो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे होते हैं ना, तो वो उसको लोडिंग और अनलोडिंग का जब काम करते हैं तो वो हमेशा रात में गुड़ जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीमेंट का काम करते हैं, सीमेंट क्या है, एक केमिकल ही है बट वो ड्राई फॉर्म में, और वो बहुत ही महीन पाउडर होता है, उसको पटकते हैं तो वो उड़ता है डस्ट पार्टिकल के साथ, और हम इन्हेल करते हैं तो वो अंदर जाता है और वो हमारे फेफड़ों में चिपकता है। तो वो गुड़ खाते हैं, दूध के साथ गुड़ खाते हैं। तो इतनी छोटी सी एक डली अगर आप रोजाना दूध के साथ रात में, और बेस्ट टाइम इसका रात में ही है, अगर रात में आप इसको लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर इतनी सी डली भी आप गुड़ की एक छोटा सा पीस लेंगे दूध के साथ, तो आपकी बॉडी पूरी रात भर डिटॉक्स हो जाएगी, आप खुद फील करेंगे इस चीज़ को। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और वहाँ पर यही सब चीज़ें होती थी, कभी कोई कुछ आके योगा दिखा रहा है, कभी कुछ इसी टाइप की ज्ञानवर्धक बातें बता रहा है, पर उस टाइम पे हमें समझ नहीं आते थे, हम बच्चे थे, बच्चे हुआ करते थे, तो बच्चे होने पे बच्चों का स्वभाव चंचल ही होता है, तो जब उस टाइम पर हमें उतना समझ में नहीं आता था, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते गए तो उस टाइम पर हमें इन चीज़ों का थोड़ा ज्ञान होने लगा कि हाँ ये जो बातें वो सिखा के गए हैं हमें वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई है या नहीं पता, मेरे को नहीं पता भाई, पर लेकिन आज मन था इस बारे में बात करने का, तो इसलिए मैंने ये बात करी, क्योंकि ऐसे टाइम में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आज की बात करें तो आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, कल परसों बारिश भी हुई थी तो आज इसलिए छत पे आ गया था रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मौसम अभी कैसा हो रहा है। सूरज अभी ढलने जा रहा है, अस्त होने जा रहा है, और सनसेट इंग्लिश वालों के लिए सनसेट होने वाला है अभी थोड़ी देर में, देखिए सनसेट होने वाला है अभी। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, बस यार आप लोगों से बात करनी थी तो इस वजह से कोशिश करेंगे कि डेली आपको एंटरटेन करें, आपको नए नए व्लॉग्स दिखाएं। सिचुएशन ऐसी है कि अभी बाहर कहीं जा नहीं सकते तो सोच रहे हैं कि घर में ही कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, घर में ही जो डेली का हमारा लाइफस्टाइल है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। इस वीडियो को मैं अब करता हूँ यहीं पे समाप्त, और बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो हेलो दोस्तों, टाटा बाय बाय।